पेज नंबर बताइए सर। 79 79 पेज पर क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैंने आपसे कहा था लेबर वेरिएंस का ब्रेकअप कर लीजिएगा, नहीं मिला टाइम। नाम बोले ब्रेकअप का, लेबर आवर्स भी लिखे हैं लेकिन एफिशिएंसी बड़ा भी आता है, ये ज्यादा बच्चे कॉमनली यूज है। फॉर्मूला बोला सर इसका, चलो सर गेम शुरू करो, दोबारा सुन लीजिएगा मेरे से, एक्चुअल प्रोडक्शन बताए रखना सर सवाल सामने, ये डाटा ढूंढना कैसे बस फाइनल करना, एक्चुअल प्रोडक्शन सर 1 unit should take how many hours? 480 जिस समय क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना आपके सामने, मतलब इस तरह आपने भी सोचना, मैं बार बार रिपीट करूंगा वर्ड्स, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये वर्ड्स को जहन में ला के ढूंढिएगा, इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स 100 into 480 करेंगे, 100 into 480 करें, 48,000 ये 48,000 रुपीज है, ये आर आर 100 यूनिट्स का बनाने के 48,000 आर्स लगने चाहिए थे, ढूंढने के लिए लगे कितने, 47,500 क्योंकि फिगर अवेलेबल है इसलिए डायरेक्टली लिखे जा सकते, तो कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ है, 48,500। इसमें जो डिसीजन है ना फेवरेबल एडवर्स का, वो इसी ब्रैकेट के अंदर ही है, क्या डिसीजन है, व्हाई एफिशिएंटली काम हुआ, कम टाइम लगा, तो 500 चल रहा, यस सर, व्हाई फेवरेबल, एक्चुअल आवर्स कम लगे, दूसरा फॉर्मूला का नाम लेबर रेट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर ये जो यहाँ रेट लेने हैं जरा डाटा देखेंगे, नहीं इस तरह कैसे सोचना ये पहले सोचते हैं, वैसा सर ये जो रेट्स है ब्रैकेट में इन्होंने मल्टीप्लाई बाहर होना है आर से, तो देयरफॉर अब रेट जो है वो आरली होना चाहिए, लेबर का आरली रेट ढूंढना शुरू करें, व्हाट इज स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आर, व्हाट इज एक्चुअल लेबर रेट पर आर, डिसीजन बहरहाल फेवरेबल एडवर्स का ब्रैकेट में ही है, एक्चुअल रेट ज्यादा है, क्या एक्चुअल रेट ज्यादा है सर, मल्टीप्लाइड बाय 47,500 आवर्स, लेकिन क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 1 ही है इसलिए रुपीज भी 47,500 ही है, एडवर्स आंसर की वहां एक्चुअल रेट ज्यादा हो गए, बहरहाल इस ब्रेकअप का जो नेट इफेक्ट है वो टोटल से मैच होना चाहिए, ये कोई कंफ्यूजन लास्ट क्लास से रिलेटेड, कर वो इसकी बी रिक्वायरमेंट है। ये जरा बताओ ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ हो, कंफ्यूजन तो नहीं पढ़ा बी रिक्वायरमेंट पढ़ रहा, अगर सर रिकंसाइल करें किसे
स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, एक सेकंड सर, मटेरियल के एंगल से ये सेंटेंस पढ़ो। अगर इसे सर मटेरियल के एंगल से पढ़ा जाए सेंटेंस, तो किसको किस तरह कंसाइल करना, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल को एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल से। तो एक सेकंड के लिए जो अपनी वर्किंग अभी हमने की है वो जरा सामने रखते हैं। ओके सॉरी, मटेरियल की परसों छोटी छोटी चीजें सही फाइनल करते रहे सर, इंशाल्लाह कोई इश्यू नहीं है। तो मटेरियल टोटल वेरियंस देखें, ये फर्स्ट ब्रैकेट है मटेरियल टोटल वेरियंस में, ये क्या है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 288,000 स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेटर, और ऑपोजिट ब्रैकेट क्या है, तो ये 288,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल 295,000। इसको ज़हन में रखते जरा दोबारा सेंटेंस पढ़े, क्या मांग रहा, क्या इसी की रिकंसिलिएशन मांग रहा। तो रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, रिकंसाइल मैच करें इसे। तो आखिर क्या वजह है कि 288,000 295,000 के इक्वल नहीं है, बस यही है ना, ये चीज सोचें। रिकंसाइल सिंपली मींस के क्या वजह है, वो वजूहात बताएं जिनकी वजह से स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट सेम नहीं है, वजह बताएं, रिकंसाइल करें, डिफरेंस बताएं। जैसे अगर BRS भी जेन में लगा सके, रिकंसिलिएशन बना देते हम बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में, तो क्या वजह है कि डिफरेंसेस है, तो रिकंसाइल सिंपली मींस अपने डिफरेंसेस बता रहे हैं, रीजन से बता रहे हैं, नहीं मतलब वो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिकंसिलिएशन। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉस्ट होगी 288,000, ये ठीक है मेरी बात है, कि अगर 100 यूनिट्स बने तो मटेरियल कितने रुपए का टोटल लगना चाहिए था और लगा कितने का, तो आखिर क्या वजह हुई। अगर फर्ज करें 288,000 इक्वल होता 288,000 इधर भी उधर भी, तो आपको पता है कौन कौन सा फिर वेरियंस ही ना होता, ना रेट वेरियंस होता ना क्वांटिटी वेरियंस होता। तो क्या इसके डिफरेंट होने की वजह ये वेरियंसेस ही है। सिमिलरली अगर नीचे लेबर देखें, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी एक्सपेक्टेड थी, 384,000, एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई, तो व्हाई दीस फिगर्स आर डिफरेंट, बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड रेट वेरिएंसेस। अगर ये वेरिएंसेस ना होते तो क्या चीज किसके बराबर होती, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होती। तो मीन्स टू से इस रिकंसिलिएशन में आपने सिंपली क्या बताना, वेरिएंसेस लिख के प्लस माइनस करना, फाइन रिकंसिलिएशन। तो दो अलग रिकंसिलिएशन बनेंगे, एक स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, वो काइंड मेरे साथ देखा और दूसरी फिर आपको बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टडी देखा रिकंसिलिएशन, और स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में रिकंसाइल करना है। डाटा कैंडी अपने सामने रखिएगा, बताएंगे कैसे निकालो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट या निकल आई हुई, कितनी निकल आई हुई, 288,000। वैसे फाइंड आउट कैसे हुई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ रिकंसिलिएशन ही बनानी होती तो वही स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है, देन इसे रिकंसाइल किससे करना है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट वो कितनी है,
अपना पिछला छोड़ दो, इसमें कुछ भी नया नहीं है, प्लीज वही फिगर उठा के लिखनी है, तो यहीं से देखनी, तो यहाँ से देख लीजिएगा। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बता दें कितनी है। 295। अगर ये कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो ये कैसे कैलकुलेट होती है? एक्चुअल क्वांटिटी यूज फ्रैक्चर प्लस बच्चे पर। अब इन दोनों में 7000 डिफरेंस है रुपीज का, तो ये क्लियर है कि क्यों फर्क है, कौन से वेरियंसेस की वजह से 7000 रुपए का नेट डिफरेंस आया। तो मुझे जरा रेट वेरियंस बता दो, ये तो पहले कौन सा कैलकुलेट हुआ? मटेरियल यूजर वेरियंस का आंसर बता दो, 4800 फेवरेबल है या एडवर्स? रेट वेरियंस 11800 फेवरेबल है या एडवर्स? अब इसको सिर्फ एक आखिरी चीज बस ये सोचनी है, इस रिकंसिलिएशन को बनाते हुए किस वेरिएंस को प्लस होना चाहिए और किसको माइनस होना चाहिए। नहीं मतलब मैं खुद बताता हूँ, मतलब मैंने सिर्फ ये सोचना ही है। वैसे तो डेफिनेटली अगर मैंने सीधा आंसर लिख लिया, लेकिन क्या हमारे प्लस माइनस से स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? लेकिन हाउ टू थिंक अबाउट इट, प्लीज मेरे साथ सोचेंगे। नहीं मतलब इसमें कोई ऐसा चरट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है हो सकता है मैं सोच नहीं पाऊँ, लेकिन बिल्कुल एक सिंपल सी चीज क्या है, 288,000 के स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से मीनिंग क्या है? क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 288,000 रुपए का खर्चा होगा? हमारा एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है 288,000। अब इसे प्लस माइनस सब पहले बताएं, एडवर्स मींस क्या है? कोई भी वेरिएंस अगर एडवर्स कह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? क्या एक्सपेक्टेशन से खर्चा बढ़ गया है और फेवरेबल एक्सपेक्टेशन से कम हो गया? एडवर्स हमें बुरा क्यों लगता है? कमी नहीं होता है कि एक्सपेक्टेशन से खर्चा पड़ गया और फेवरेबल हमें अच्छा क्यों लगता है? एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम होगी, तो हमारा एक्सपेक्टेड खर्चा 288,000। पहले 11,800 ढूंढना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 288,000 एक्सपेंस आएगा, लेकिन 11,800 एडवर्स है, क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन से कॉस्ट ज्यादा हो गई? तो एक्चुअल तक आना है, एक्सपेक्टेड से एक्चुअल तक, तो एडवर्स को ऐड करेंगे लेस करेंगे, क्यों ऐड करेंगे? एक्सपेक्टेशन लिखी भी ऊपर, ऊपर है एक्सपेक्टेशन और नीचे हमारे वर्ड्स क्या है? एडवर्स मींस एक्सपेक्टेशन से एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, तो क्या हमने आना कहाँ है एक्चुअल? तो प्लस करके एक्चुअल तक आए या माइनस करके 4800 होंगे? 4800 मींस फेवरेबल, मींस वी आर एक्सपेक्टिंग, सॉरी वी वर एक्सपेक्टिंग 288,000, लेकिन क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम होने का मतलब फेवरेबल है? तो कैलकुलेट उठाएबल, तो इसको क्या ऐसे डट्टा लगा के ब्रैकेट्स लगाने के प्लस माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचेंगे 288,000 में 4800 का क्या करें, क्यों लेस करें? एक्सपेक्टेड खर्चा ऊपर लिखा हुआ और 4800 फेवरेबल मींस हमारी एक्सपेक्टेशन से खर्चा कम हो गया है, माइनस कर दें सर, और एडवर्स प्लस क्यों कर दें? नहीं पूरा नहीं बोला ना आपने, इससे बात बनती नहीं है, एक्सपेक्टेशन से बोला, ऊपर लिखी हुई एक्सपेक्टेशन, ऊपर एक्सपेक्टेशन फेवरेबल मींस एक्सपेक्टेशन से कम और एडवर्स मींस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, करके देखो 295,000 फेवरेबल आया एडवर्स आया, मतलब ये फेवरेबल एडवर्स नहीं, वो तो वेरिएंस आ गए या एक्चुअल कॉस्ट आ गई, क्लियर है सर? तो प्लस माइनस अब आपने लिखना तो लिखना, प्लस माइनस ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाना लेकिन शायद जरूरत नहीं, कहाँ लगाए बस ब्रैकेट लिखे, एक आध दफा ये सेंटेंसेस बोलिए करें यार, आपको बिल्कुल ही सरेंडर कर देते हैं, देखी जाएगी। जॉनी स्टूडेंट्स क्लियर है?
लेबर वाली कंपनी है। लेबर की वर्किंग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट प्लस सीएडी 4000 एफिशिएंसी वेरिएंस वेरिएबल रेट वेरिएंस 47500 एडवर्स एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी 384000 फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है वाई 4000 एड बाय लेस फेवरेबल नहीं फेवरेबल मींस क्या है हमने डिसाइड ही किया था कि यार अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है बुरा लगेगा तो एडवर्स तो बुरा लग क्यों लगेगा आपको जब कॉस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगी तभी बुरा लगेगा और फेवरेबल कब लगेगा जब कॉस्ट एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगी हमने ऊपर लिखा एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन से कम है तो लेस करना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो ऐड करके एक्चुअल तक आना ओके जी पॉइंट आंसर आ गया या आ जाएगा आ जाएगा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेके वापिस कह लीजिएगा पेज नंबर 76 एंड 75 पहले 76 स्टैंड पे एक मिनट होगा अभी तक हमने दो वेरिएंसेस को फर्दर ब्रेक कर लिया है बताएंगे कौन कौन सा मटेरियल और लेबर अब नेक्स्ट बैच शुरू करने लगे हम वेरिएबल ऑपरेटर्स तो उसके बाद इंशाल्लाह फिक्स पे भी आते हैं वेरिएबल ऑपरेट्स की गेम भी बेटा बिल्कुल वैसी ही है जैसी लेबर की है जरा ढूंढेंगे 864 और इन फ्लेक्स बजट ऊपर पेज नंबर 76 पे और 1080 इन पेज नंबर 75 एंड तो इसी तरह बेटा जिस तरह लेबर हुआ था बिल्कुल वेरिएबल ऑपरेट्स मिलते जुलते हैं वेरिएबल ऑपरेट्स टोटल वेरिएंस दिखाएंगे 864 कैसे कैलकुलेट हुआ बर्ड्स बोलेंगे तो जाने दे सर गुस्सा सर और जाने दे सर वो बर्ड इसके फाइनल हो चुके हैं सर 864 की कैलकुलेशन कैसे हुई भी है स्टैंडर्ड आवर्स वर्ल्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट आप लोग इससे अगर रजिस्टर में से जरा
लेबर वाले वेरिएंसेस निकाल रहे हैं, तो लेबर के वेरिएंसेस ब्रेक किए थे हमने। आप लेबर करवा लेबर देखे कर ले, बिल्कुल सिमिलर है, फर्क क्या है वो भी आप खुद ही बताइएगा। क्या वर्ड्स हैं सर? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्सपेक्टेशन इनटू स्टैंडर्ड डे। तो काइंडली प्लीज अपने सामने लेबर टोटल वेरिएंस निकाल कर रखे हैं, जहां हमने पहली दफा ये फॉर्मूलास की बहस की थी, बिल्कुल सेम वर्ड्स आएंगे। साथी प्लीज वो देख ले यार, एक बार मैं ही देख लेता हूँ, सेम वर्ड्स है, सिर्फ फर्क है। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्सपेक्टेशन भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ लेबर का, वहां लेबर का रेट है, या वहां लेबर ने जो पैसे लेने हैं, यहाँ जो बिजली का खर्चा होना है या फ्यूल का खर्चा होना, ये वो एग्जैक्टली वर्ड्स में लेकिन फर्क है, सॉरी एग्जैक्टली वर्ड सेम है, रेट में कौन सा डिफरेंस है, वहां लेबर रेट्स होंगे और यहाँ वेरिएबल ओवरहेड मींस ध्यान में रखा करें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का रेट होगा। आगे चले 1080 कैसा है पेज नंबर 75 पे? सिर्फ रेट्स का फर्क है और वहां लेबर की जगह, वहां लेबर थे, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड से रेट आ गया। वंस अगेन यहाँ लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट होगी और यहाँ एक्चुअल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड कर रहे हैं या वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर आप इजाजत दें, पहले तो मैंने लेबर लेबर वाले देखे थे, उसे मैंने बॉक्सेस से बना के दिखाया था। तो रादर देन दैट अगर इसको सिमिलरली ब्रेक कर लें, ये भी किन दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, प्लीज ऊपर वन यूनिट शुड टेक आज बताए वन आर at the rate of 0.96 per variable of rate per hour. Answer is dobara solve kar lo, 864 should be the cost incurred. Right side pe hai, pichle page pe jao, 75 1080 ka breakup dhoondna, 1080 900 into what is 1.2 एक्चुअल आवर्स वर्क्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन पर 1.2 आवर्स है रिक्वायर्ड टू मेक वन यूनिट एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट बताएं वन पर आवर। यही असल गेम राज नहीं है सर, सॉल्व करें। डिफरेंस है बेटा, क्या लिखी जा रहा है, क्या देख के लिखी जा रहे हैं, फटाफट में लिखूंगी मिट ना जाए। व्हाट इज 216 वेरिएंस है, ठीक है वेरिएंस है, व्हाई इट इज अ डिवर्स, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अब जरा बीच में जाएंगे इन फिगर्स पे, बताएं एक्चुअल खर्चा ज्यादा क्यों है? नहीं सर जी, ना जो 800 का देखो, 800 का देखो, ना 10 बार अरे 10 बार 3 और जानना थोड़ा बात भी क्या हो। 900 का तो कोई मसला नहीं है, आर्स का भी मसला है और रेट का भी मसला है। तो मीन्स उसे इसने फिर वही आर्स और रेट में ब्रेक हो उन्हीं वर्ड्स के साथ जो लेबर में, फर्क क्या है, वहां लेबर रेट्स है, यहाँ वेरिएबल ओवर रेट है। तो सिंपली इसने ब्रेक हो जाना वेरिएबल ओवर आर्स या एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रखे, लेबर रखे सामने भाजा और अपोजिट साइड में नाम और वेरिएबल ओवर रेट। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड भी जो एग्जामिनर यूज करता है वो भी साथ लगाना है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस क्या है? वेरिएबल ओवर रेट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फॉर्मूलाज वही है, देख के बता सकते क्या फॉर्मूला होना चाहिए ना?
स्टैंडर्ड आर्स वर्क पर एक्स प्रोडक्शन माइनस एक्स आर्स वर्क पर एक्स प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वर्किंग कैपेसिटी कितनी पेजेस में सर 76 75 सर होल्ड ऑन सर सर एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं सही फाइनल करें सर चीजें वन यूनिट शुड टेक कहीं ढूंढना वन या वन पॉइंट टू बट स्टैंडर्ड आवर्स 1.2 या वन शुड टेक वन तो 900 घंटों का काम माइनस ढूंढने नहीं नहीं हजार इसकी नहीं है सही है काम ढूंढ पिछले पेज पे जाए पिछले पेज पे एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं One unit has actually taken 1.2 hours. The CN bracket के अंदर ही है. कितने 100 घंटों काम कितने 100 घंटों में हुआ? ये 900 × 1.2 करें. बेटा लिख लीजिएगा. ये तीन माने आपके लिए लिख रहा हूँ. तीन चक्रों पड़े हुए हैं. अंधाधुंध लिख जा रहे हैं. सॉल्व करके तो देखें. 900 × 1.2 कितने 100 घंटों का कितने 100 घंटों में हुआ फेवरेबल हो गया डॉलर स्कीम है एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है स्टैंडर्ड रेट होंगे 0.96 पर आवर क्यों ले रहे हैं क्योंकि वर्किंग आवर्स में हो रहे हैं फाइनल आंसर बता 172.8 एडवर्स स्कीम एक्चुअल आवर्स वर्क एक लास्ट वर्किंग करवा दो फिर आपके लिए यकीन मानो इधर फार्मूला क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय तो वेरिएबल ओवरहेड्स के फार्मूलाज में वर्ड्स एग्जैक्टली सेम हैं जो लेबर में है सिर्फ फर्क कहाँ है रेट्स में फर्क है वहां लेबर के रेट्स हैं यहाँ ओवरहेड्स के रेट्स ठीक है काली फाइनल कर ले स्टैंडर्ड रेट बताएं 0.96 माइनस 1 एक्चुअल रेट इनटू 900 इनटू 1.2 यहां आवर्स गिवन नहीं है आवर्स कैलकुलेट हो फाइनल आंसर बताओ 432 नहीं है 432 तो वहां था यहां कैसे आ गया 432 भी यार वही आंसर तो वही आएगा नहीं 0.043 43.2 फेवरेबल एडवर्स वाई एडवर्स क्लियर तो दोनों एडवर्सेस को प्लस करना तो 216 एडवर्स क्यों है क्योंकि एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस दोनों रिस्पेक्टिवली एडवर्स कैलकुलेट अब लिखें आपके लिए ये नंबर बता दे ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट आई होप कि आपने तो कम से कम मेरे साथ फिगर्स ढूंढी सर फिक्स में भी आ गया सर गेम आ गई फिक्स में भी नहीं सर एक्चुअल और है अप्लाइड और है गेम और 340 डॉलर्स है पेज नंबर 76 सर मेरा ख्याल नेक्स्ट फैसला आपने कुछ और करना तो इधर आ जाता है चलिए ये डिसीजन सारे आपके हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं पढ़ना आपने अगर कोई सब्जेक्ट मैनेज नहीं हो पा रहा तो डेफिनेटली डिसीजन खुद ना
ये डिसीजन मैं कैसे दे सकता हूँ कि ये कर लें ये कर लें। मैंने सिर्फ आप सही कहा था, तीन से ज्यादा ना हो, बाकी जो सही नहीं चल रहा डेफिनेटली उसका कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नोट करेंगे तो बताते रहिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? नो सर। चले सर जी, देन सर जो अभी तक पढ़े हमने वेरिएंसेस उनके एक एटलीस्ट नाम के हवाले से समरी देख के आगे गेम बढ़ाते हैं। अब तक क्या ख्याल था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मटेरियल टोटल वेरिएंस है, उसी के ब्रेकअप से गेम शुरू हुई। मटेरियल टोटल वेरिएंस फॉर्मूला बोलने की कोशिश करेंगे जबानी, इस तरह करें आप लोग। मैंने सिंपल से इसकी समरी सी बनानी है, आप लोग अपना पिछले पेजेस बनाए फॉर्मूला एटलीस्ट देख के बोलो। बस ये चैलेंज पहले हल करें, पहला चैलेंज इस के कुछ जो फॉर्मूले पढ़े जा रहे हैं ये याद रहे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फ्रैक्चर प्रोडक्शन मल्टीपल स्टैंडर्ड रेट माइनस देन सर फिर ये जो टोटल वेरिएंस होता है ये सब डिवाइड हो जाता है दो वेरिएंसेस में। कौन कौन सा? मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस एंड मटेरियल। परेशान हुए बगैर एक मिनट बोर्ड पर लिखिएगा। अगर मैं लेफ्ट साइड पे रेट लिख दूं और अपोजिट साइड पे यूजेज लिख दूं तो ये मैंने किया इसलिए है क्योंकि डेफिनेटली कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। मेरे पास जितने बल्कि आपकी बुक में जितने आंसर्स हैं वो इस तरतीब से हैं,
अगर ऐसे कर ले तो मसला तो नहीं? नो सर। रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोर्ड पे देख के बना। स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय, जो याद ना है वो वहां से भी देख के कोशिश कर। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर लेबर टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला बोर्ड इसके ब्रेकअप का नाम एफिशिएंसी एंड रेट। ठीक है, इसको भी अभी चिंता करते हैं। रेट एंड एफिशिएंसी, रेट का फॉर्मूला बोलो। और एफिशिएंसी का ये जो पहले तीन फॉर्मूला अभी तक पढ़े मटेरियल लेबर एंड देन वेरिएबल रेट, इसमें यकीन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर इन्हीं को देख के आप दोबारा लेबर बोले, ऊपर मटेरियल वाले वर्ड देखे और लेबर बोला, स्टैंडर्ड आर वर्क हो, बाकी वही है, यू यू की जगह एच डब्ल्यू और इनटू स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन डेफिनेटली वो ग्रास का रेट होगा। उस तरफ जाए राइट बॉक्स एक तो लास्ट वर्क, आई होप के कोई इस तरह भी अंधाधुंध रटा नहीं। फिर रेट का फॉर्मूला दोबारा पर बोले, मटेरियल रेट स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी यूज पर एक्चुअल प्रोडक्शन होगी और आपके पास वहाँ एक्चुअल आवर्स होगा, क्वांटिटी यूज्ड की जगह आवर्स वर्क हो जाएंगे। यूजेज का फॉर्मूला इधर है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड पर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड पर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाई बाय, अब क्योंकि क्वांटिटी यूज्ड है तो स्टैंडर्ड रेट क्वांटिटी के एंगल से होगा, लेकिन अगर आप इसे एफिशिएंसी के एंगल से सोचेंगे तो स्टैंडर्ड आवर्स वर्क हो जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क, और जब आवर्स होंगे तब रेट भी आवर्स हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली वेरिएबल ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस, उसके तो बिल्कुल वर्ड सेम है एज द लेबर आवर, तो इस तरह जरा बोर्ड से मटेरियल देख के वेरिएबल ओवरहेड के वर्ड्स बोलने की कोशिश कर। इसका भी ब्रेकअप वही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड इसके साथ एक्सपेंडिचर था, इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो यहाँ तक जरा जल्दी से लिखें, मैंने डिफाइन सिर्फ पहला इसलिए किया है क्योंकि उसी की बेस पे बाकी भी डिफाइन किए जा सकते हैं। क्यू यू की जगह एच डब्ल्यू, जल्दी से इकट्ठे, फिर फिक्स ऑपरेट्स पर टाइम लगेगा। जी हेडिंग देनी है, देने मतलब जरूरी नहीं है ऐसी बात। इसी तरह कोशिश करें कि रेगुलरिटी रहे, सर अब्दुल मान एक मुलाकात हो सकती है।
Any note? You ready? Yes, sir. Next heading, please. Fixed overhead. Total meetings. At least half page चाहिए मुझे. अगर तो यही है तो ठीक है, अगर कम है आपसे तो फिर kindly next page करो. Fixed overhead total meetings. अब आप लोगों से request है kindly लिखने की बजाय please 76 और 75 page पे वो 10 को मिनट पहले मेरी बहस गौर से सुन लें. जो जो मैं figure कहूँगा please ढूंढे. ये लिखना जरूरी नहीं है, इसे समझ लिया तो लिखा और आराम से खुद भी सकते हैं. तो page number 76 के end पे आ. After the discussion of material labor variable rates, game आ गई है fixed overheads पे. 2160 ढूंढने flexed budget. पहले इसका नाम बताएं. वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने एक और नाम भी मेरे साथ लिखा था, child applied वगैरह. ये amount calculate कैसे हुई थी 2160? देख के देख के देख के देख के सुनते के दिमाग में सब कुछ लिखा हुआ है. Actual production multiplied by standard rate per unit भी important चीज है. पर unit क्यों? क्योंकि 900 units लिए गए. तो 2.4 क्या था? जरा page number 75 के start पे जाएं. Absorption rate per unit calculate हुआ था. Absorption rate per unit calculate कैसे हुआ था? Budgeted fixed overheads divided by budgeted units की base पे एक absorption rate calculate हुआ था. वापस आ जाएं. 900 into 2.4 हो गया, जो 2160 figure आई है ये applied fixed overheads है. Applied fixed overheads calculate कैसे होते हैं? Actual production multiplied by standard rate per unit. पूरा बोलना जरूरी है, दोबारा बोलें कैसे calculate होता है? अब kindly page number 75 पे जाएं. और actual factory actual fixed overhead sorry end में ढूंढेंगे. ये 2500 calculate कैसे होते हैं? ये कोई calculate नहीं होता, ये given होता है. ये actual लिखें. वापस आए page number 76 पे.
2160 का फाइनली नाम है अप्लाइड, ठीक है तीनों है लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज अप्लाइड फिक्स्ड रेट, किससे कंपेयर हुए 2500 से एक्चुअल से और वेरिएंस आ गया वही कितना वेरिएंस आ गया 340 एडवर्स क्यों है एक्चुअल खर्चा से अप्लाइड का एक और वर्ड कैंडी ध्यान में रखने की जरूरत है अप्लाइड मीन्स चार्ज भी होता है कितना खर्चा चार्ज हुआ था 2160 एक्चुअल कितना हो गया क्या कुछ खर्चा कम चार्ज हुआ क्या कुछ खर्चा कम चार्ज हुआ अंडर अप्लाइड सिचुएशन है देखें देखें वापस चार्ज कौन सा है चार्ज अप्लाइड इज चार्ज How much is charged? How much is actual? How much is overcharged? Nothing is overcharged. Nothing at all. How much is charged? 2160. Actual 2500. कम चार्ज हुआ. Under charged है, under applied है. क्या और चार्ज होना होता है? Yes, sir. तो खर्चा और चार्ज होने का मतलब खर्चा बढ़ रहा है. खर्चा और बढ़ाना है. तो therefore adverse. क्या खर्चा एक्चुअली ज्यादा हो गया तो अब लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको आप किस पेज पे हैं 76 और 75 पे आपने घूमते फिरते रहना जी सर फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस पे आ रहा है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बोलना सही बात है पेज नंबर 76 के एंड में फिलहाल इट द डिफरेंस बिटवीन वहां अगर देखेंगे तो 864 अप्लाइड है पहले सॉरी 2160 अप्लाइड और 2500 एक्चुअल है ऐसे ही इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड अप्लाइड एंड एक्चुअल या अप्लाइड एक्चुअल करता है इसको मैं पहले सीधा कर अगर आपकी इजाजत है इससे आपको बुक में आंसर मिलेगा देख रहे हैं मतलब मसला तो नहीं बना कोई रट्टा नहीं है प्लीज इन दोनों का डिफरेंस है एक्चुअल खर्चा बताए अप्लाइड बताएं अप्लाइड अगर अवेलेबल ना हो तो ये कैलकुलेट कैसे होता है एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट की होता है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट में होती है क्या प्रोडक्शन घंटों में होगी इतने घंटे बना लिए हमने हाँ यकीनन घंटों में यूनिट्स बनेंगे लेकिन प्रोडक्शन किस चीज के करेंगे आप यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ हमेशा यूनिट्स होंगे देयरफॉर रेट भी कौन सा होगा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट किसका स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट अगर ये स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट अवेलेबल ना हो तो ये कैसे आता है क्या वर्ड्स नजर आ रहे हैं बजटेड फिक्स ओवरहेड ढूंढ लिया करेंगे बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ढूंढ लिया करेंगे डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन ढूंढ लिया करेंगे वहां तो यूनिट्स लिखा हुआ है तो क्या प्रोडक्शन ही के यूनिट्स होते हैं बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स ढूंढ लिया करेंगे और यहां से क्या निकल आया करेगा स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन रेट ऑफ फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट क्यों निकला करेगा क्योंकि बेस में हम यूनिट्स लिखा करेंगे तो अगर ये ना हो तो कैसे निकलाया करेगा फॉर्मूला बोला बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का मीनिंग क्या है पेज नंबर 75 पे स्टार्ट करें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स से क्या मीनिंग होगा आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी है एस्टीमेटेड का मीनिंग क्या होगा पीरियड के स्टार्ट पे सोचा क्या गया था ये चीज खर्चा सोचा क्या गया था ये है बजटेड इसी पेज नंबर 75 के एंड में एक्चुअल का मतलब है खर्चा हो कितना गया है
एक्चुअल नेक्स्ट पेज पे 2160 क्या है अप्लाइड, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग क्या, खर्चा चार्ज कितना हुआ है। ये तीन चीजों की बहुत बहस करनी है। पेज नंबर 75 के स्टार्ट में दोबारा आ रहे, मैं फिर रिपीट करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वर्ड्स कंफ्यूजिंग तो नहीं है, अगर है तो बता दें, मैं चेंज कर देता हूँ। 2400 रुपए ऊपर का खर्चा पीरियड के स्टार्ट में सोचा गया था, अंदाजा ये था। ये वर्ड ठीक है मेरे, मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे वर्ड से समझ आता है, खर्चा सोचा क्या गया था 2400 बजटेड, ये बजटेड है। नीचे आ रहे 2500, खर्चा हो कितना गया। मेरा ख्याल बेस्ट डेफिनेटली अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी 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 लैंग्वेज जरा ज्यादा हेल्पफुल रहती है। खर्चा हो क्या गया इज एक्चुअल। नेक्स्ट पेज, और खर्चा प्रोडक्शन में चार्ज कितना होगा 21, ये अप्लाइड होता है। क्या एक ही चीज के तीन नाम है? 2400 बोले क्या चीज है? देख के नाम से तसल्ली से, कब सोचा गया पीरियड के स्टार्ट पे खर्चा जो सोचा गया था बजट था। नीचे आ रहा है 2500, पीरियड एंड पे जो खर्चा एक्चुअल हो गया है, जो खर्चा हो गया है बच्चों। नेक्स्ट पेज, पीरियड के एंड तक जो चार्ज हुआ है वो अप्लाइड अब्सॉर्ब्ड है। अप्लाइड आगे बोलो, एक्चुअल 2500 है, चार्ज 2160, डिफरेंस 340। ये 340 एडवर्स क्यों? ये भी रट्टा है, एक्चुअल खर्चा ज्यादा। बाकी स्टोरी डेफिनेटली अंडर चार्ज भी है, अंडर चार्ज की एंट्री भी है, वो भी है, वो भी है, ये एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा, किससे ज्यादा है ठीक है वो भी बोलना बोलने, एक्चुअल खर्चा ठीक है सर। एनी कंफ्यूजन? तो मटेरियल टोटल वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अप्लाइड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अच्छा मैं फिक्स्ड ओवरहेड वर्ड क्यों नहीं लगा रहा, ऊपर लगे हैं लेकिन एक दफा लगता है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एनी कंफ्यूजन यहां पर? ठीक है सर, अभी जो एक्चुअल और अप्लाइड वाला टोटल वेरियंस है ये भी सब डिवाइड हो सकता है, जिस तरह हमने मटेरियल सब डिवाइड किए है, आगे लेबर वेरिएबल, इसी तरह इसे भी सब डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन इसके सब डिवीजन के लिए दरमियान में अगर हम लिख लें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड्स बोले थे वो वर्ड्स दोबारा जहन में क्लियर कर लें, क्या एक्चुअल अप्लाइड और बजटेड में कुछ डिफरेंस है? तो अगर मैं बीच में बजटेड लिख रहा हूं तो एक कंपैरिजन लेफ्ट साइड पे कंसंट्रेट फॉर एक्चुअल और बजटेड का हो जाएगा, और एक राइट साइड पे बोलें अप्लाइड और बजटेड के दरमियान। तो इससे फिर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने में और ज्यादा और एनालिसिस करने में और ज्यादा डेप्थ पता चल जाए, मतलब एनालिसिस का और ज्यादा ब्रेकअप पता चल जाए, हम और ज्यादा डेप्थ में सोच सकें। लेकिन कैसे आएगा लेफ्ट साइड पे, क्या मतलब एक्चुअल? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, खर्चा हुआ कितना बजटेड, जरा पेज नंबर 75 में बजटेड अमाउंट बताओ 2400। अगर कभी 2400 ना गिवन हो तो उधर ही 2400, अगर ये कभी गिवन ना हो तो आपको इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है? 2400 के पीछे जाए ब्रैकेट में जाए, हजार 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 बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स एक्चुअल यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन का है बजटेड यूनिट्स, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन से बात किया, कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे, प्लान कितना था, एक्चुअल प्रोडक्शन मींस बने कितने। तो ये 2400 कैसे ब्रैकेट में बना हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन थाउजेंड से बना हुआ,
ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई किससे हुआ? स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी पर यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर किसी क्वेश्चन में बजटेड फिक्स ओवरहेड्स ना हो तो हम निकालने का क्या फार्मूला डेवलप कर सकते हैं? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ऑब्वियसली पर यूनिट क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बजटेड यूनिट्स में, स्टैंडर्ड रेट किसका, फिक्स्ड ओवरहेड्स का, बात इसकी हो रही है। अप्लाइड अगर अवेलेबल ना हो तो अप्लाइड कैसे आता है? जवानों हिम्मत मारो, जवानों हिम्मत मारो सर, ये राइट बॉक्स में फर्क क्या है, लेफ्ट और लेफ्ट राइट साइड अपनी ऊपर नीचे फर्क क्या है? अप्लाइड और बजटेड में फर्क क्यों है? क्या रेट के फर्क होने से या प्रोडक्शन के फर्क होने से? पहले आ जाए लेफ्ट साइड, एक कंपैरिजन हो गया बिटवीन एक्चुअल एंड बजटेड, खर्चा हुआ क्या है और सोचा क्या है, बताइए सोचा क्या था? 2400 सोचा था, वो कितना गया? वेरिएंस है कितना? फेवरेबल है, वेरिएंस है 2400-2500, 100 का वेरिएंस है। एडवर्स क्यों है? एक्चुअल खर्चा ज्यादा, खर्चा सोचा क्या था? 2400 हुआ कितना है? ये फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा कम होगा, क्या कहते हैं? तो वाइड वर्स एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। अब इस वेरिएंस का एक नाम अगर रख लें, क्या कंपेयर हुआ यहाँ? खर्चा कंपेयर, एक्चुअल और बजटेड खर्चा कंपेयर हुआ, तो इस वेरिएंस का नाम होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। So what is the formula of fixed overhead expenditure variance? Actual fixed overhead minus budget, बाकी वो भी लिख लेते हैं। ये एडवर्स कब होगा? एडवर्स कब होगा? अच्छा कब लगेगा? जब एक्चुअल खर्चा, क्या एक्चुअल खर्चा ज्यादा है? कितना ज्यादा है? देयर फॉर एडवर्स, एनी कंफ्यूजन? राइट साइड पे, राइट साइड पर एक फिगर है 2160 अप्लाइड और नीचे है 2400, लेकिन यहां जो रुपीज में डिफरेंस आया उस डिफरेंस को एनालाइज करने की जरूरत नहीं, मतलब उस ठीक है, डिफरेंस को कितना बनता है 240, तो डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस आया क्यों? एक सेकंड, एक सेकंड कंसल्टेशन कर, ऊपर अप्लाइड लिखा उसकी ब्रैकेट में जाए, क्या वर्ड्स है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, नीचे है बजटेड, या बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, मतलब मेरी इस बात का ये हुआ कि यहाँ कोई एस सच, बल्कि एक सेकंड, पेज नंबर 76 पे जाए, 2160 की कैलकुलेशन जरा फाइनल करा दें, 2160 ऊपर 900 क्या था? मल्टीप्लाइड बाय, तो मतलब यदि इस बात का ही हुआ, या जो फिगर जो मैंने आपसे लिखवाई है कि इन दोनों ब्रैकेट्स में राइट साइड की दोनों ऊपर और नीचे वाली ब्रैकेट में 2.4 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ को रेट्स का कंपैरिजन नहीं है, यहाँ को रेट्स का चेंज नहीं आया, वहां भी 2.4 है, यहाँ भी 2.4 है, फर्क किस वजह से? एक्चुअल प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बजटेड प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? तो ठीक है, अमाउंट का डिफरेंस हमने लगा लिया 240, लेकिन डिसीजन लेने के लिए कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है, हमें रेट्स को नहीं देखना, क्योंकि रेट्स तो दोनों में कांस्टेंट है, हमें क्या देखना है? हमें यूनिट्स देखने, प्रोडक्शन देखनी है। तो आए जरा देखना शुरू करें, 1000 नीचे ढूंढना पहले बजटेड में, 1000 का मीनिंग बताएं, ये इंग्लिश में है, हम कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? 1000, और दोबारा अपने जेब में क्लियर कर लें, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस के ओनर हैं, हम एम्प्लॉय नहीं, हम ओनर हैं, हम कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे? ऊपर वाली ब्रैकेट में जाए, राइट साइड ऊपर अप्लाइड, कितने यूनिट्स बने हैं? ज्यादा बने हैं, फेवरेबल हो गए, फेवरेबल हो गया, कम बने, ठीक है, फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया,
दूर ना जाए, प्रॉफिट तक ना जाए, पहले मेक इट सिंपल, सिंपल सी बहस ना, मतलब इतनी दूर ना जाए। कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे, कितने यूनिट्स बने हैं, ये फेवरेबल कब होगा, जब हम जज्बाती हो गए हैं। हजार सोचे लेकिन सुबह दोपहर शाम एक कर दिया, ऑर्डर ज्यादा है बनाई गई सुबह शाम, हमें नहीं उम्मीद थी कि हम इतने जज्बाती हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हजार सवाल करना चाहते थे, ये फेवरेबल कब होगा, जब आपने ये प्लान बनाया था उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था कि आप एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे कर सकते हैं। ये मैंने कम ही बताया वैसे। तो अगर हम ज्यादा जज्बाती होंगे तब फेवरेबल होगा, और अगर हम कम खुदा ना खास्ता, वैसे पर इतने जीरो यूनिट्स बने, कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे, हजार, और कोई भी नहीं बनाया, आईटी फेवरेबल होगी। तो कब फेवरेबल, कब एडवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, किससे, बजटेड से तो फेवरेबल, और अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है तो मेरी सिचुएशन में एडवर्स क्यों है। कम वर्ड्स करें, कम से कम करें, एक्चुअल प्रोडक्शन कम, व्हाई एडवर्स, बिकॉज एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड। प्लीज ये राइट साइड का कंपैरिजन है, ये किस बेस पे होता है, प्रोडक्शन की बेस पे, क्योंकि यहाँ रेट्स का तो कोई इशू नहीं है। इस तरह एक सेकंड तरह लेट मी फिनिश, ये 100 एडवर्स क्यों है, सोचो सर, 100 एडवर्स क्यों है, यहाँ खर्चा कब है, तो बिकॉज एडवर्स, बिकॉज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, प्लीज अब आए जरा राइट साइड पे, बस इस राइट साइड पे एक नाम रखना है वेरिएंस का, तो थोड़ी सी आप जरा हेल्प करें, ये राइट साइड में अप्लाइड और बजटेड में वेरिएंस आया क्यों है, प्रोडक्शन की वजह से, इसका नाम क्या हो सकता है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड यूनिट वेरिएंस, लेकिन इसकी जगह ग्लव्स इस्तेमाल होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए बोल रहे, वो भी बोल रहे। तो व्हाट इज द फाइनली नेम यूज इन द बुक्स इज फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम, लेकिन डेफिनेटली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल वॉल्यूम के साथ यूनिट्स लिख सकते हैं, प्रोडक्शन लिख सकते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस। एक आखिरी चीज जरा बता दें, सब कुछ देख कर, ये वॉल्यूम वेरियंस फेवरेबल कब होगा, क्या ज्यादा होगा मेरे भाई, एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगा किससे, हाँ बजट, लेफ्ट साइड देखें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल कब होगा, जब एक्चुअल खर्चा कम होगा, लिखें। योर लाइन स्टार्ट्स क्लियर, ये ठीक है, चलो सर ठीक है, लेकिन बारह ये कुछ जरूरी नहीं है, गेम इज ऑन, तो वंस अगेन अगर अच्छा लगेगा तो फेवरेबल है, और बुरा लगेगा तो एडवर्स है, लेकिन सोच के अच्छा लगेगा और सोच के ही बुरा लगेगा। ये अब्दुल मालिक रेडी,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एसेट वर्क्स इसका यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज उतनी कम है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं हो रही है, इन वर्किंग्स में क्या बात हो रही है कि यूनिट्स बनाने का प्लान क्या था, बने कितने, तो ये कम ज्यादा यूनिट्स बनने की वजह से ये फर्क है। अगर और ज्यादा दूर जाएंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं अगर वो इनवर्स रिलेशनशिप इसका बन जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम ज्यादा हो सकते हैं इसका, लेकिन टोटल बाई डिफॉल्ट सेम रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से बढ़ भी जाता है, तो यूनिट्स के कम ज्यादा होने से फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप विद द यूनिट्स। हम 2400 का खर्चा 1000 यूनिट्स की बेस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2400 रुपए का टोटल खर्चा 1000 यूनिट्स की बेस पे, 2.4 या 2.7, नहीं नहीं वो रेट नहीं, वो नहीं, वो तो बात की बात है, रेट तो एंड में पता चला ना, रेट तो एंड में पता चला, तो रेट का फर्क तो इधर आना चाहिए, ये 2500 फाइनल होना चाहिए शायद जो आप कर रहे हैं, 2500 डिवाइड बाय 900 होना चाहिए, तो एक्चुअल रेट तो यहाँ से पता चलेगा। तो एक है कि हम एक्सपेंस देख लें और एक है कि हम ये देखें कि एक्सपेंस कम ज्यादा चार्ज क्यों हुआ, उसके चार्ज कम होने की वजह सिर्फ प्रोडक्शन, लेकिन कम यूनिट्स बनना ये कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं है क्योंकि उससे पर यूनिट बढ़ जाएगा। और सोलन तो क्या होना चाहिए, फिक्स ओवरहेड्स टोटल सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन से इसका टोटल भी बढ़ सकता है और यूनिट्स कम ज्यादा होने की वजह से इसकी अप्लाइड की फिगर बजटेड फिगर से डिफरेंट हो सकती है। ये ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पहले लिखते जाएंगे तो बताते रहना, पर ये भी अब लिखना है ये नहीं सब कैलकुलेटर पे 2500 और 2160 में का डिफरेंस लेंगे तो ये यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस है। और सेकेंड एट द एंड ऑफ द डे जो ब्रेकअप किया गया है क्या इसका आंसर उसी टोटल से मैच होना चाहिए, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो टोटल वेरिएंस है वो किन दो स्टेप्स में सॉरी या किन दो सब वेरिएंसेस में डिवाइड हो गया, एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। प्लीज yes,
total wages. फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? कैसे पता चलता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड, नहीं इसको माइनस प्लस की बजाय बस ऊपर नहीं चले, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल फिगर है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है. यस सर. लेकिन अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो प्लीज से करेंगे. एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड अब्सॉर्प्शन फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, अगर ये कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये ऊपर मेरे ख्याल आपने लिख लिया है, शायद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. वैसे कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड प्रोडक्शन बजटेड यूनिट्स. ये जो भी इनका डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का पता कैसे चलेगा कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है? अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा है तो एडवर्स है, और अगर एक्चुअल खर्चा कम है तो फिर ये फेवरेबल. इसको फिर जब सब डिवाइड कर देंगे तो सब डिवीजन का नाम बन जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस. अब इसको इसी तरह तरतीब से रखें, इसी तरह ही मिलेगा. फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. सो द डिफरेंस बिटवीन, बताइए लेफ्ट साइड देखें ऊपर, ये किस किस का फर्क से आएगा? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड. प्लीज बोलने सर ही, बट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन दोनों का डिफरेंस है. क्या ये जरूरी है कि पहले एक्चुअली लिखेंगे? या ये भी जरूरी है पहले ऊपर एक्चुअल लिखेंगे और बाद में बजटेड लिखेंगे? ये जिस तरह मर्जी लिखें, लेकिन कौन सी दो चीजें कंपेयर होनी है? बजटेड अगर अवेलेबल ना हो कभी तो बजटेड कैसे निकाला करेंगे? बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ले लिया करेंगे. इन दोनों फिगर्स में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस फेवरेबल कब कहलाएगा और एडवर्स कब कहलाएगा? अगर एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा तो फेवरेबल नहीं होगा, एडवर्स होगा, एंड वाइस वर्सा बोले. एक्चुअल कम होगा तो फेवरेबल, एंड वाइस वर्सा. सेकंड नाम क्या है राइट साइड पर? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज द डेफिनेटली वॉल्यूम मींस यूनिट्स की बात हो रही है. वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन, ढूंढे ये पहला फार्मूला है जो थोड़ा सा आपको टफ महसूस होना. फिक्स्ड ओवरहेड, सॉरी अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स. अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स बहुत रेयर ही है कि अवेलेबल होंगे. कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लिया करेंगे, और इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स से. अगर यहाँ बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल भी हो, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट एग्जामिनर दे भी दे, तो यहाँ हमें इसकी वर्किंग इसलिए करनी पड़नी है क्योंकि जो डिसीजन ऑफ फेवरेबल और एडवर्स है वो एक्चुअल और बजटेड प्रोडक्शन की बेस पर. तो प्लीज व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स? बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट. क्यों यार? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस में से ये वाला वेरिएंस फेवरेबल कब होगा सोच के? यहाँ प्रोडक्शन की बेस पर डिसीजन है, तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो. दोबारा अपना ऊपर देखें, 240 एडवर्स, अपना 240 एडवर्स. वह एडवर्स क्यों है? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, तो यहाँ कोई रेट्स का कंपेरिजन नहीं है. दोबारा बोर्ड पे देखें, ब्रैकेट्स देखें, रेट दोनों स्टैंडर्ड है. फर्क किस वजह से होगा? बजटेड और एक्चुअल प्रोडक्शन. तो बजटेड प्रोडक्शन मीन यूनिट्स बनाना कितना चाह रहे थे, एक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स बने कितने हैं. तो अगर 1000 बनाना चाह रहे थे, 900 बने हैं, तो फेवरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन कम है. लिखे
तो ये बड़ा इसको कोसाइंस का बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे क्या आना, जो मर्जी ऊपर लिखे जो मर्जी नीचे लिखे, मैं जानबूझ के नेक्स्ट फार्मूला में लिखा करूंगा, इसकी कोई सेंस नहीं है, कोई स्टोरी तो रटे लगाने की जरूरत नहीं है। आना कैसे ये पता होना चाहिए। अगर कर सकते होते मैं जरूर करता। जो वर्ड्स हैं प्लीज यही फाइनल करें। लिखिए सर, मेरी तरह जरा देख के फॉर्मूले बोल देते हो आप। नहीं वो बाकी आप लिखे, मैंने एक भाई ने लिखी है। नहीं ऊपर से शुरू करें, टोटल से ठीक है। अब वो सोच रहे थे ऐसे गरीब को हेल्प करना शुरू कर दी मैंने, एक्चुअल बजट का फर्क है ठीक है, वॉल्यूम में अप्लाइड, बस इतनी सी बात। अप्लाइड अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए कैसे आता है? नहीं नहीं एक्चुअल प्रोडक्शन इंटरेस्टेड नहीं ठीक है, मतलब ये याद करना है यार, डेफिनेटली क्वेश्चंस करके बार बार अप्लाई तो करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ हिम्मत कर ली जाएगा। आइडियल यही होगा कि आज जब चार वेरियंस हो गए, मटीरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो घर जाके कोई एक पेज सामने रखा जाए और इन चारों के फार्मूलाज एक पेज पे लिखिए, जहां जरूरत पड़े वहां डेफिनेटली कंसल्ट किया जाए, हो सकता है ये भी पॉसिबल है। जी सर पेज नंबर 80 पे आ जाएगा, लिखिए नहीं उसमें प्रोडक्शन, जब आप एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो प्रोडक्शन नहीं देख रहे, अगर आपने प्रोडक्शन देखनी है तो उधर देखें, एक्सपेंडिचर देखना है तो उधर देखें, वैसे तो मिक्स तो ना करो, सिर्फ एक्सपेंडिचर उधर देखें, सिर्फ प्रोडक्शन उधर देखें, दोनों का मिक्स तो ना करो, मिक्सअप कर देंगे गेम का। इधर क्या देख रहे हैं, मैंने नीचे ना ब्रैकेट में इधर देखें, एक सेकंड बोर्ड पे देख, मैंने नीचे बजटेड के नीचे एक वर्किंग लिखी है, बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, लेकिन यहाँ इस वर्किंग को लिखने से कोई हमने डिसीजन नहीं लेना, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर बजटेड अवेलेबल ना हो तो कैसे कैलकुलेट होगा, वरना यहाँ खर्चा कंपेयर होगा, तो खर्चा कंपेयर हो रहा है तो एक्चुअल खर्चा अगर ज्यादा है तो एडवर्स है, उधर क्या कंपेयर हो रहा है, उधर रेट सेम है, प्रोडक्शन कंपेयर हो रही है, एंड मेक इट सिंपल। लेकिन जो आपको प्राइस में है सर, अब अल्टीमेटली तो रुपीस में ही पता चलना चाहिए ना कि कितने रुपए का फायदा या नुकसान होगा, लेकिन डिसीजन कैसे होगा फेवर प्रोडक्ट पर, रुपयों का डिसीजन कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए कितने रुपयों का फायदा या नुकसान हुआ है, लेकिन वो रुपयों का फायदा नुकसान तक पहुंचेंगे कैसे, रेट तो दोनों में सेम है, तो डिसीजन लेते हुए हमें यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। जी सर पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मेरा ख्याल है,
ये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ये अगर स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आपने नहीं लिखा तो लिखना है एक्सपेंडिचर के नीचे वेटेड प्रोडक्शन। वैसे ये ना पर यूनिट भी लिखना प्लीज इतना जरूरी नहीं है, अगर यूनिट्स होंगे तो मल्टीप्लाई कर ही लिख सकते हैं पर यूनिट रेट से, आर्स होंगे तो पर आर, लीटर, केजी, तो इस तरह की रट्टे भी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल प्लीज फिलहाल क्वेश्चन नंबर टू पढ़ना शुरू करेंगे। एम एस इंग्लिश में बोला जाए ना, एम एस गेमर, अगर सवाल इंग्लिश में तो नाम इंग्लिश में पढ़ते हैं। प्रोड्यूसेस ओनली वन प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ गेमर एंड द स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज अंडर, डायरेक्ट मटीरियल अंडरलाइन करना, स्टैंडर्ड मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, 52 क्या है स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, 12 क्या है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 20 क्या है, 5 क्या है, 15 क्या है लेबर वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड पर यूनिट। तो टोटल मिलजुल के टोटल कितना होगा, इट मींस एक यूनिट को बनाने में 52 रुपीस का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा एक्सपेक्टेड है। बजटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इज 10,000 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 95, बताएं वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है, कितने यूनिट्स बनाना चाह रहे थे, कितने बनाए हैं, देन इसके बाद फिर एक्चुअल डाटा शुरू हो गया, एक्चुअल कंजम्पशन एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड आर अंडर, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 37,000 केजीस कितने यूनिट्स को बनाने में आएगी, 49,000 आवर्स में कितने यूनिट्स बने, 49,000 आवर्स में वेरिएबल ओवरहेड्स का कितना खर्चा हुआ है, ये बातें करो, टोटल इस पीरियड में कितना खर्चा हुआ है। फिलहाल अभी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, फिनिश गुड्स भी नहीं है, गेम इज सीरियसली नाउ ऑन, हमने क्या करना है, रेलिवेंट कॉस्ट वेरिएंसेस निकालेंगे चल अगल सारे, तो ये होमवर्क कोई नहीं आज, बल्कि अपने टेस्ट देने हैं। टेस्ट के लिए सर इस तरह करें, जो लोग टाइम निकाल सके वो क्लास के बाद निकालें, अभी इमीडिएटली निकालेंगे, खास तौर पर FA1 वाले हजरात वो तो वेल है इस वक्त, नहीं इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है, हकीकत बयान कर रहा है, और जो FA2 वाले हजरात उनसे जरा रिक्वेस्ट है कि दो सवाल है, कोई घंटा डेढ़ निकाल सकते हैं, निकाले आइटम, इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दें, अल्लाह तो हफ्ते में कोई एक दिन सही तरह टेस्ट के लिए भी होना चाहिए सही तरह, तो क्लास में समटाइम्स आधा पौना घंटा फिर एक आध सवाल हो सकता है, टाइम वेस्टिंग भी होता है, तो इंडिविजुअली अगर टाइम निकालो क्लास के हफ्ते में, क्या ख्याल है।